अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आया देखिए जियागुड़ा मार्केट में, और काफ़ी टाइम के बाद मार्केट की वीडियो बन रही है। तो यहाँ के जो जानवर की अपडेट है, जो प्राइजेस चल रहे हैं, उसकी डिटेल बताऊँगा मैं आप सभी को। वीडियो को एंड तक देखिए आप लोग, जितना हो सके जानवर अच्छे से अच्छा जानवर कवर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को एंड तक देखिए। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए आज की जो न्यू वीडियो है हम शुरू करेंगे। देखिए, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक गुंटूर का लॉर्ड है। यहाँ पर गुंटूर के फीमेल्स है, मेल किड्स भी है। देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पर सामने देख रहे हैं, बड़े साइज का मेल भी है सिंह वाला। भाई क्या रेट से दे रहे हैं? बेचने के ना बिक गए? अच्छा, सोल्ड आउट हो गया बोल के बता रहे हो, ठीक है। देखिए जैसा नेक्स्ट में देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर एक बहुत बड़ा लॉर्ड है देसी कड़गों का। देसी बकरे हैं यहाँ पर, बहुत से लोग देसी बकरों के लिए भी प्रीफर करते हैं। तो आप लोग को बताता चलो यहाँ पर देसी माल बहुत आता है, जैसे कि आप सभी कुछ लोग देखते हैं बहुत से चैनल पे भी। अभी इसमें देखिए, छोटे बच्चे से लेके ओपन बड़े बकरा, ओपन 8 दांत तक का बकरा भी है। और जैसा आपको वेट चाहिए वैसे वेट तक का बकरा आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा। तो प्राइजेस देखिए, यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंसिव भी रहेंगे और रीजनेबल भी रहेंगे, तो आप लोग आपके हिसाब से बात करेंगे तो बेहतर रहेंगे। अभी यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग प्राइस तो भाई 5,000-8,000 से बता रहे, एंडिंग वो 20-25,000 तक है बोल के बता रहे भाई। ऑलरेडी डिटेल लेके आप सभी को मैं बता रहा हूँ। मैं नेक्स्ट में जैसा देख रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह यहाँ पर और एक आपको लॉर्ड बता रहा हूँ मैं आपको, तेलंगाना कोटला में। माशाल्लाह अच्छे साइज़ के बकरे हैं, देखिए आप लोग यहाँ पर पूरे अच्छा एकदम सिंग निकले हुए बकरे हैं, अच्छे साइज़ के हैं। वेट में भी आप सभी को देखिए तकरीबन 30 किलो तो आएंगे मिनिमम, और इसमें थोड़े छोटे भी रहेंगे। एक एवरेज वेट बता रहा हूँ मैं आप सभी को, और इनका प्राइस देखिए आप लोग 11,500 रुपये बता रहे भाई। ईच वन का सीज़न नहीं है, उसी वजह से देखिए प्राइस कम भी है यहाँ पर। जैसे फंक्शन वगैरह अगर किसी के पास है या फिर अकीका वगैरह, आप लोग परचेस कर सकते हैं। माशाल्लाह अच्छे कम प्राइस में यहाँ पर जानवर, तो आप लोग पर्सनली विज़िट करें, जानवर चुन कर ले सकते हैं। देखिए जैसे कि नेक्स्ट वाला लॉट देख रहे हैं आप लोग, यहाँ के ओनर यहाँ पर है मौजूद, देख सकते हैं आप लोग। दो ओनर हैं, ऑलरेडी डिटेल ले लिया भाई से मैं। यहाँ पर देखिए जानवर जो बता रहे भाई, एक एवरेज वेट बोल तो 10,000 रुपये में आपको 13 किलो का बकरा मिलेगा बोलिए बता रहे हैं यहाँ पर भाई। ऑलरेडी डिटेल लेके आप सभी को बता रहा हूँ भाई से मैं, तो और भी बेहतर रहेंगे। आप लोग सामने से देखेंगे जानवर को, जैसा आप पसंद करेंगे वो हिसाब से बात भी कर सकते हैं आप लोग, बेहतर रहता उसमें। जैसे कि ये वाला नेक्स्ट वाला लॉट देख रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह यहाँ भी देखिए अच्छे साइज़ के बकरे हैं सिंह वाले। देखिए आप लोग जैसे सामने का ये बकरा देख रहे हैं, और भी बहुत से बकरे हैं यहाँ पर अच्छे सिंह वाले बकरे हैं, और एकदम चीप रेट में हैं। जैसा भाई बता रहे अभी डिटेल, ये वाले भाई बता रहे कि 9,000 में जो है आपको एक 10 किलो का बकरा मिलेगा, 11,000 में 13 किलो का बकरा मिलेगा, बल्कि एक एवरेज बता रहे आप सभी को प्राइस और वेट। अच्छे साइज वाले बकरे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट में देखिए आप लोग, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर के अंदर यहाँ पर बकरे हैं कुछ तेलंगाना के, देख सकते हैं आप लोग। इनमें देखिए माशाल्लाह खूबसूरती बहुत है, आपको देखिए ये तरफ से बता दूँ मैं, माशाल्लाह अच्छे खूबसूरत जानवर है ये, यानी अगर कोई पालने के लिए भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। क्या रेट किया भैया? देखिए 8,500 में बोलिए बता रहे, 8,500 ईच वन का बता रहे भाई प्राइस यहाँ पर। माशाल्लाह अच्छे बच्चे बकरे देखिए खूबसूरत कलरों में। देखिए जैसा कि लास्ट में आप लोग लॉट देख रहे हैं, यहाँ पर माशाल्लाह अच्छे साइज़ के बकरे हैं, यहाँ पर भी अच्छे सिंग निकले हुए बकरे हैं। और जैसा कि भाई से बात कर रहा हूँ, बोल रहे कि 9,000 रुपये में ईच वन का प्राइस है, और एवरेज जो वेट बता रहे भाई 10 से 12 किलो के बीच में निकलेंगे आपको इसमें बता रहे मीट वेट। प्राइजेस भी अच्छे कम है,
तो जो फार्मर्स है जो बकरीद के लिए तैयार करते हैं बकरे, उनके लिए प्रीफर करूँगा मैं। आप लोग जानवर यहाँ से परचेस कर सकते हैं, अच्छे कम प्राइस में है। और एक पीछे चार सिंह वाला भी बकरा है यहाँ पर पीछे, माशा। ठीक है, चलिए आज की जो वीडियो है हम यहीं पर एंड करेंगे। और अगर किसी भाई को भी वीडियो शूट कराना हो, इंशाल्लाह मैं अवेलेबल रहूँगा, थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से मैं भी नहीं था। तो अगर किसी को भी कॉन्टैक्ट करना हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर ले। तो आज की जो वीडियो हम यहीं पर एंड करेंगे, इसी तरह के और भी वीडियोज़ मैं बताता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।